हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विसावा फूड चैनल। आज हम अचार बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अचार बनाने के लिए कच्ची कैरी, नींबू और ये बड़े गार्लिक लिए हुए हैं और गाजर और थोड़े से मैंने अदरक के पीस भी लिए हैं। इन सब में मैंने नमक, हल्दी और जीरा पाउडर डालकर इसे मैरिनेट होने के लिए रखा है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें मैंने विनेगर भी मिलाया हुआ है। लगभग पाव कप विनेगर यहाँ पर मिलाया हुआ है मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने पेस्ट बनाकर रखी हुई है, इसमें भी मैंने पाव कप विनेगर मिलाया हुआ है। इसमें मिर्च है, लाल मिर्च जो ज़्यादा तीखी नहीं है, और राई है और लहसुन है। ये सब मैंने विनेगर डालकर पीस लिया है। थोड़ा सा पानी भी डाला है इसमें मैंने। और यहाँ पर मैंने तेल गरम करके रखा है, इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली हुई है और ये थोड़ा सा मैं गरम ही डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पीसते वक्त थोड़ा सा पानी ऐड किया है मिर्च में। तो अब हम ये सब मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा जीरा पाउडर डाल के ये सब मिक्स करके रखा हुआ था, लगभग एक घंटा हुआ है। तो अब मैं मिक्स करूंगी। इस मिर्च के पेस्ट में मैंने थोड़ी सी मेथी भी ऐड की है। मेथी बहुत थोड़ी ऐड की है मैंने, पाव चम्मच ऐड की है। अब हम तेल ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ तेल में बाद में ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब हम बॉटल में भरकर रखेंगे इस अचार को, तब हमें 3-4 दिन बाद से खोलकर हिलाना चाहिए। अगर इसमें नमक कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं इसे बॉटल में भरूंगी और लगभग 10-12 दिन हम धूप में रखेंगे बॉटल को, क्योंकि इसमें मैंने जो लेमन लिया है अचार में, अगर लेमन हो, नींबू हो, तो उसे बनने में थोड़ा समय लगता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हम इसे बॉटल में रखकर धूप दिखा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 चम्मच शक्कर डाली है। शक्कर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। ये मिक्स हो चुका है और मैंने पहले ही इसमें नमक डाल के रखा हुआ था। फ्रेंड्स, अब मैंने अचार बॉटल में भर दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इस बॉटल को बालकनी में रख दूंगी। मेरे यहाँ पर बहुत तेज धूप आती है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैं गल्फ कंट्री में रहती हूँ तो यहाँ पर बहुत तेज़ धूप होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लगेंगे और जब नींबू का जो कवर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तब हमें समझना चाहिए कि हमारा अचार रेडी है। फ्रेंड्स, आपको अगर अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विसावा फूड चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।